अभी 10 मिनट में लेता हूँ, फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है, देन आई विल गो ऑन द एमसीक्यू। लास्ट लेक्चर में मैंने एसएन 1 एसएन 2 का सिनॉप्सिस बताया था, ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जरा देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये सबको पता रहेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेनेवर वी डू एलिमिनेशन रिएक्शन, सो व्हेनेवर वी डू द एलिमिनेशन रिएक्शन वी फॉलो द दिस सेट्स ऑफ रूल। आपको जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेट्स ऑफ रूल के हिसाब से ही लिखना है, दैट इज अ मेन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट, सेट्स ऑफ रूल। ओके, सो कभी भी आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हो तो आपको हमेशा वो वाला बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। यू विल रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं CH3 CH2 CH CH3 एंड दिस इज Br, ठीक है, तो जब आप इसके अंदर मिक्स करेंगे एल्कोहलिक KOH जब आप मिलाएंगे तो ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है और ये बीटा डैश है। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि जो KOH है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो बनाता है K+ and OH- KOH ब्रेक डाउन होता है, ये देता है K+ and OH-। अब ये जो OH- है ना, दिस एक्ट एज अ बेस, ये क्या काम करता है, दिस एक्ट एज अ बेस। और हमको पता है बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को खींचना। तो बेस क्या करता है ना, यहाँ से बीटा और ये बीटा डैश है, तो वो क्या करेगा, बेस जो होगा वो वाले कार्बन को पुल अप करता है जो ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे CH2 मिथिलीन इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल, ये दिमाग में आप रखिएगा। CH2 को हम लोग बोलते हैं मिथिलीन, मिथिलीन इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल, देन मिथाइल। सो आपने यहां से जस्ट आई विल राइट इट हियर बिलो CH, दिस इज Br एंड दिस इज CH3। तो अब ये जो OH- है ना, ये OH- जो है इसका प्रोटॉन गेन करेगा H+, अब वो इलेक्ट्रॉन को अंदर ढकेलेगा और यहाँ से Br- निकल जाएगा एंड दैट Br- विल गो विद द K+ और बना देगा KBr। तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट CH3 bond CH double bond CH bond CH3, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्यूटुइन। अगर किसी भी बच्चे ने क्या किया, बीटा वाले से हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब ये वाले से निकाल दिया, तो उसको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्यूटवनिन मिल सकता है, CH3 CH2 CH double bond CH2। सो दिस इज द ब्यूटवनिन और ये है ब्यूटुइन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, विच इज द मेजर प्रोडक्ट, ये हमको पता है, विच इज द मेजर प्रोडक्ट, ब्यूटवनिन और द ब्यूटुइन, कैन एनीवन टेल मी, हाँ ब्यूटुइन, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, हम लोग कौन से बेसिस पे बोलते हैं कि जो ब्यूटुइन है वो ज्यादा स्टेबल है, सेट्स ऑफ रूल ने तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया, उसने बोला, बट उसके बेसिस पे कौन सा कंसेप्ट है जो ये जस्टिफाई करता है कि ब्यूटुइन इज अ मोर दिस स्टेबल। राहुल, अच्छा राहुल ने बोला मोर अल्काइल ग्रुप है, अच्छा और क्या रीजन हो सकता है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चा सोचेगा सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, नाउ व्हेन यू से द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ द ब्यूटुइन, यू कैन सी देयर इज अ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, देयर आर हाउ मेनी, 6। अब आपको ये चेक करना है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर इतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलता है। सी, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मेनली शोन बाय sp2 hybridized कार्बन। अब जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा वो 100% आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा,
हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जो तीन लोग आते हैं वो आता है कार्बोकेटायन, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, देन यू कैन हैव अ फ्री रेडिकल, देन यू कैन हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. क्योंकि अगर आप ये तीनों में कार्बन का अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलने वाला है. तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है? तो जब आप टर्शियरी कार्बोकेटायन को सबसे ज़्यादा स्टेबल बोलते हो तो उसके पीछे का रीज़न यही है, हाइपर कॉन्जुगेशन है. बिकॉज द टर्शियरी कार्बोकेटायन इज हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम ईच साइड. सो वी आर गेटिंग टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन. वी आर गेटिंग हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन. तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जितना ज़्यादा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज अ मोर एंड मोर स्टेबल. सो दिस इज मोस्ट स्टेबल अमंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी. द रीजन इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. तो अभी अगर आप इसका बात करते हो ब्यूट टू इन का, तो ब्यूट टू इन के अंदर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इज कमिंग? कैन एनी वन टेल मी वॉट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? सी आपने क्या करना है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको बॉक्स में डाल देना है. हाँ आकांक्षा बहुत बढ़िया, इट्स 6, फैंटास्टिक. वॉट अबाउट द ब्यूट वन इन? वॉट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? दैट इज ओनली 2. कितना है? ओनली 2, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपने बॉक्स में रखना है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन का आपने हाइड्रोजन काउंट करना है. तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है. रीजन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन. और हाइपर कॉन्जुगेशन जो वो तीन कंसेप्ट में लग जाता है, तीन इंटरमीडिएट्स में लग जाता है, रेडिकल में लग जाता है, कार्बोकेटायन में लग सकता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लग जाता है. यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि ये फंडामेंटल है. आपको कभी भी चार एल्किन दिया है वो पूछेगा कौन सा एल्किन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको चेक करना चाहिए किसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, तो वो हो जाता है आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पे. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. ये बात होगी आपकी एलिमिनेशन की. तो एलिमिनेशन में दो होते हैं, एक सेट्सअप रूल होता है, एक हॉफमैन रूल होता है. हॉफमैन रूल जब भी जरूरत लगेगा तो बता दूंगा. अच्छा, इसके बाद आता है रिएक्शन विद द मेटल्स. रिएक्शन विद द मेटल्स में आपके पास सोडियम मेटल है, यू गॉट अ मैग्नीशियम मेटल. ओके, तो उन लोगों का क्या प्रोडक्ट मिलता है? ये भी बड़ा एक फेवरेट रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल. तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको रिएक्शन यहाँ पे मिलता है, दैट इज अ वर्ड्स रिएक्शन. वर्ड्स रिएक्शन. नाउ वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है? दो अल्काइल हैलाइड जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं. आर बॉन्ड एक्स प्लस 2Na गेट रिएक्ट विद द आर बॉन्ड एक्स एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 2NaX एंड the reaction is happening in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, and we are getting what? R bond R plus 2NaX. ये जो है free radical mechanism को follow करता है, free radical mechanism को follow करता है. This is called as a Wurtz reaction. Wurtz reaction में आपको ये एक छोटा सा MCQ बन सकता है for the CET exam, for the MHT CET ये आ सकता है कि वर्ड्स रिएक्शन से सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन मिल सकता है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है. दैट विल बी योर इथेन. इथेन से छोटा आपको हाइड्रोकार्बन वर्ड्स रिएक्शन नहीं दे सकता है. बात समझ में आ रही है? और कौन सा हाइड्रोकार्बन ये कभी दे ही नहीं सकता है. सो द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच वी आर गोइंग टू गेट इट इज अ इथेन. द स्मॉलेस्ट विल बी द इथेन एंड विच वी कैन नॉट गेट इट नेवर, मतलब जो हमें कभी नहीं मिलेगा हाइड्रोकार्बन, तो वो हो जाएगा आपका मीथेन. मीथेन का फॉर्मेशन वी कैन नॉट गेट इट. मीथेन इट विल नेवर बी फॉर्म्ड. ओके, सो
ये सीईटी के लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपने दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड को फ्यूज कर दिया, सपोज यू डू द रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड द इथाइल क्लोराइड, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? कैन एनीवन टेल मी? मिथाइल क्लोराइड गेट्स रिएक्टेड विद द इथाइल क्लोराइड, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट? इफ इट इज पॉसिबल टू टेल, बताइए मुझे क्या उसमें से बन सकता है। एनीवन? यस, प्रोपेन। ओके, ओनली प्रोपेन? हाँ, इथेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मिलेगा। फैंटास्टिक आकांक्षा। सो वी कैन हैव द सेल्फ कपलिंग, वी कैन हैव अ क्रॉस कपलिंग। सो इथाइल विल कंबाइन विद द इथाइल एंड दैट विल गिव यू ब्यूटेन, दैट विल गिव यू द ब्यूटेन। देखो अभी ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, इसके आने के चांसेस सिमिलर वाले कम है। अब जो एग्जाम में पूछा गया ना, वो भी मैं भी आप पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा। सी, सो दिस इज गोइंग टू बी C2H5 बॉन्ड C2H5, सो दिस इज योर ब्यूटेन, दिस इज योर ब्यूटेन, यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। आफ्टर दैट इफ यू राइट ऑन दिस CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, तो ये यहाँ से कंबाइन करके आपको वो लॉस करके देगा 2Na NaCl एंड यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट CH3 प्लस NaCl। तो ये अपने को पता है, और एक इथाइल और एक मिथाइल का कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl प्लस C2H5, तो ये आपसे आपका इथाइल और ये आपका मिथाइल कंबाइन करके आपको फॉर्म करके देगा CH3 C2H5। सो दिस इज द प्रोपेन, दिस इज द प्रोपेन एंड दिस इज द इथेन। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ कंसेप्ट विच वी अप्लाई, एंड यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो बनेगा फ्री रेडिकल, दिस इज द फ्री रेडिकल। नाउ अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, मैं लिखता हूँ जरा इसका आंसर, आप लोग बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सी, what is the name of this compound? Can anyone tell me the name of this compound will be what? Cyclobutane. Ha, bahut badhiya. If I make here one chlorine and I make one chlorine here, so what is the product? 2Na and dry ether. Koi product ka naam mujhe bata sakta hai? प्रोडक्ट नहीं बता सकते तो स्ट्रक्चर बना दे, बता दीजिए कैसा बन सकता है। अगर आप प्रोडक्ट का नाम नहीं बता सकते तो यह बता दीजिए। किसी को आ रहा है? दिस इज द जेई का क्वेश्चन। देखो ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है, ये दोनों निकल जाएंगे और आपस में वो लोगों का बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा बाईसाइक्लो कंपाउंड। You will be getting the bicyclo compound. See, this is the product. This is the product. Is it clear to all of you? This is the question which has been asked. ये पूछा जा चुका है question आपको exam में। I hope Bird's reaction सभी को clear हो गया होगा। अभी यहाँ पे मैंने जो metal use किया था वो use किया था sodium metal। अब इसके अलावा मैं मैग्नीशियम मेटल यूज़ कर लूँगा तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन तो बहुत ही फेवरेट है। ठीक है, नाउ सी, जस्ट वन मिनट। नाउ रिएक्शन विद एमजी। Now when you talk about the reaction with an Mg, तो अगर आपने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया या इथाइल क्लोराइड ले लिया, कुछ भी ले लिया, C2H5 इथाइल ब्रोमाइड प्लस Mg, इसका रिएक्शन होता है आपस में और ये फॉर्म करके देगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको हम लोग बोलते हैं GR, that is a Grignard reagent, or I can call this as an organometallic compound. ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, कभी भी ना हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे सॉल्वेंट जो है ना
हम लोग वहां पे वाटर नहीं डालते कभी भी, वी नेवर एड अ वाटर, ठीक है। वाटर वहां पे क्यों नहीं डालते उसके पीछे का रीजन है, वो भी मैं बताता हूँ। देखो ये जो ग्रिग्नार्ट है ना, ये इसका जो मैग्नीशियम पार्ट है ये होता है डेल्टा प्लस, उसके सामने जो अल्काइल पार्ट है वो होता है डेल्टा माइनस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस माइनस का ही खेल है। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वन रिएक्टेंट कंबाइन विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनदर रिएक्टेंट, आर यू गेटिंग। सो यहाँ पे अगर आपने यूज कर लिया ग्रिग्नार्ट रीजन के अंदर सोर्स ऑफ प्रोटॉन, इफ समबडी इज पुटिंग हियर एच प्लस, तो जैसे ही एच प्लस उसको दिखेगा ना सी टू एच फाइव माइनस को, तो वो अपना बॉन्ड ना सामने वाले से फॉर्म कर लेगा और अपने को प्रोडक्ट दे देगा सी टू एच सिक्स। तो ग्रिग्नार्ट रिएजेंट इज वेरी वेरी रिएक्टिव इफ देयर इज अ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट जो है मॉइस्चर आ जाए या फिर उसके अंदर एच प्लस आ जाए, अगर वो मिल गया तो समझ जाना प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा सुमित, ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर रिएक्शन एंड इसका प्रोडक्ट मेरे को आपसे एक्सपेक्टेड है, इफ यू टेल मी दैट्स गुड थिंग। दिस इज द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू एड अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कोई बता सकते हैं मुझे, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हियर? बेंजीन। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड, दैट इज अ बेंजीन। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा गया, दिस क्वेश्चन हैज बीन आल्सो आस्क्ड इन अ एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अल्काइल हैलाइड्स। तो ये तो हो गया इसका प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के बाद रिएक्शन विद मेटल पहला प्रॉपर्टी था, सेकंड था, उसके पहले एलिमिनेशन हम लोगों ने बताया था। अभी एक साथ में मैं पूरा केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो लिख देता हूँ। इफ यू हैव टेकन द आर बॉन्ड एक्स और उसके साथ में आप मिक्स कर रहे हैं अलग अलग रिएजेंट, Now, if you add here aqueous KOH, तो aqueous KOH के साथ में alkyl halide आपको alcohol form करके देगा, तो ये आपको दिमाग में fit करके रखना है, ROH, that is an alcohol, that is an alcohol. After that, if you add here ammonia, that is NH3. तो अमोनिया ऐड करोगे तो ये आपको फॉर्म करके देगा RNH2, दैट इज अ प्राइमरी अमाइन। अभी यहाँ पे कैसा, ये अमोनोलिसिस कर सकता है। अगर आपने अमोनिया जो है ज्यादा मात्रा में लिया है और अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये आपको फाइनली जो प्रोडक्ट देगा दैट इज गोइंग टू द दिस योर जस्ट वन मिनट दिस इज गोइंग टू गिव द क्वार्टरनरी अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट, quaternary ammonium salt will be the final product. If you have taken excess of an ammonia or even you have not written, तो अगर आपको only one alkyl group attach करना है nitrogen के साथ में, तो आपको alkyl halide का जो concentration है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा, otherwise आपको जो final product मिलेगा वो मिलेगा quaternary ammonium salt, मतलब दूसरा hydrogen भी हटेगा, तीसरा भी हटेगा और चौथा जो lone pair की जगह पे आएगा alkyl group, तो वो आपको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करके देगा। अगर आपने यूज किया यहाँ पे KCN, पोटेशियम साइनाइड, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू RCN, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल साइनाइड एंड बाय प्रोडक्ट इज अ KX। अगर आपने यहाँ पे यूज किया AgCN, दैट इज सिल्वर साइनाइड, AgCN फॉर्म करके देगा आइसो साइनाइड, दैट इज R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज अल्काइल आइसो साइनाइड। जस्ट गिव यू वन मिनट। ओके, सो अल्काइल पोटेशियम साइनाइड गिव यू द अल्काइल साइनाइड एंड AgCN गिव यू द आइसो साइनाइड, ये आपको क्या फॉर्म करके देता है, आइसो साइनाइड। नाउ आफ्टर दैट इफ यू टेक अ ईस्टर विद एन अल्काइल हैलाइड, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिडेड लाइक
R bond C double bond O AG. तो ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट है. तो यहाँ से AG और यहाँ से X निकल जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अ प्रॉपर ईस्टर. R bond C double bond O bond R. So this is the ester. This is the ester. Okay. And if you take here like KNO2 use करते हो या AgNO2 use करते हो तो वो भी जरा ये textbook का reaction नहीं है ये वाला. अगर आपने silver nitrate लिया है nitrate not nitrate NO3 is called nitrate and you have taken the KNO2 potassium. तो AgNO2 जो है ना वो आपको नाइट्राइड फॉर्म करके नाइट्रो कंपाउंड बना देगा, RNO2 मिल जाएगा. और जो KNO2 है ये आपको फॉर्म करके देगा R बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. दिस इज नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट. ओके. और आपको पता है, आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, NO2 एंड आपका जैसे साइनाइड होता है, दे एक्ट एज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड. दे एक्ट एज अ एम्बिडेंटेड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड? देयर इज अ टू एटम व्हिच कैन कनेक्ट टू द आर. सो वंस वी आर एबल टू सी देयर इज अ नाइट्रोजन गेट्स कनेक्टेड विद द अल्काइल ग्रुप एंड अनदर टाइम वी आर एबल टू सी देयर इज अ अल्काइल ग्रुप इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन. सो इन शॉर्ट आई हैव समराइज्ड ऑल द दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर अल्काइल हैलाइड. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 I have written it here. Okay. After that, the last one is the Gatterman reaction आता है और Sandweir reaction है and Balz's. मैंने ये बताऊंगा फिर मैं सीधा MCQ के ऊपर जाऊंगा. ठीक है. Now, if you take a aniline and in the case of aniline, you pass the this is aniline and you are passing here NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl and you are making the temperature 0 to 5 degree. So 0 to 5 degree likhne se acha hai aap ice bhi likh sakte ho kyunki ice ka temperature lagbhag 0 ke aas paas hota hai. To ye aapas mein react karke aapko form karke dega diazonium compound. This is going to form you the diazonium compound and triple bond and with a positive charge and there is a Cl minus. This is called as a diazonium salt. अब diazonium salt के अंदर अगर आपने अलग अलग reagent use किए तो उस हिसाब से उसका नाम अलग अलग हो जाता है. तो ये मैं चारों को एक साथ लिख दूंगा. Just let me scroll up. Now see, this is the diazonium salt and triple bond, this is a positive charge, this is the nitrogen and there is a Cl minus. If you are adding here CuCl or you are adding here, ye Sandweir reaction hai. Agar aapne cuprous chloride add kiya hai, CuCl copper ka oxidation number +1 hona chahiye in the presence of HCl. To ye aapas mein react karega aur aapko form karke dega jo product hai wo milega chlorobenzene. Kya milega bhai? Chlorobenzene. एंड बाई प्रोडक्ट यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रहता है. अच्छा, अगर किसी ने यूज किया है CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो जब आप क्यूप्रस यूज कर रहे हैं तो वो आपका Sandweir कहलाता है. जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा ना, तो अब ये जो पहला और दूसरा रिएक्शन है इसको बोला जाता है Sandweir रिएक्शन. दिस इज द Sandweir रिएक्शन. Okay. Now, if you take copper metal alone and copper metal के साथ में आपने मिला दिया HCl, copper metal अलग से लिया उसके अंदर आपने HCl मिला दिया, तो यहाँ पे copper का oxidation number 0 है और ऊपर वाले में +1 है. Okay. So copper in HCl जो है वो जब react करेगा तो वो भी वही product देगा, chlorobenzene का ही देने वाला है. This is also going to be the chlorobenzene. In the same manner, if you take here this copper के साथ में आपने use कर लिया HBr, so that is going to give you the bromobenzene. इस reaction को हम लोग बोलते हैं Gatterman reaction. This is the Gatterman
reaction. Now, after this, we write down the one more reaction, that is the Weil-Siezmann reaction. Just 1 minute. Yes, sir. Hang on. Weil-Siezmann reaction से आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन. क्या मिलेगा भाई? You will be getting the फ्लोरोबेंजीन. So if anybody is adding here HBF4, क्या add किया जा रहा है यहाँ पे? HBF4. So temperature almost room temperature पे जाता ही है. This is going to give you the फ्लोरोबेंजीन. और इस reaction को हम लोग बोलते हैं Weil-Siezmann reaction. Weil-Siezmann reaction. तो फ्लोरो क्लोरो अगर आयोडो बनाना है तो आपने क्या ऐड करना है? Ki ऐड करना है. यू आर गोइंग टू ऐड पोटेशियम आयोडाइड. सो दैट विल गिव यू द आयोडोबेंजीन. तो ये रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. Weil-Siezmann नहीं दिया है बट इंट्रेंस में एक्सपेक्टेड है. गेटरमैन रिएक्शन भी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा बट सैंडमियर यू विल बी गेटिंग इन द टेक्स्ट बुक. ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन MCQ. ओके, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इफ एनीबडी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 तो जरा मुझे बताइएगा. जस्ट एवरीबडी इज एबल टू सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? यस सर. जस्ट 1 मिनट का मेरा थोड़ा. हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है, व्हाट कैन बी द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन सकता है यहाँ पे? हेलो फॉर्म. हाँ, बहुत बढ़िया. हेलो फॉर्म. दिस इज गोइंग टू बी द हेलो फॉर्म. सो जस्ट इसको मैं शेयर करूंगा. हाँ, अभी आपने अगर CH ये रखा है CHCl3, तो CHCl3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? What we call CHCl3 को we call chloroform. तो वैसे ही अगर आपने CHI3 बोला तो CHI3 को हम लोग क्या बोलते हैं? We call them as a iodoform. We call as a iodoform. तो जैसे ये है आपका CHI3. This is a iodoform. This is a iodoform. And CHCl3. This is the chloroform. This is the chloroform. तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा भाई? सेकंड वाला. ओके, सो जस्ट ये मेरा यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, इसके लिए थोड़ा आई एम नॉट एबल टू राइट इट हियर. कुछ तो थोड़ा प्रॉब्लम है लैपटॉप में मेरे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. प्रोपिलीडीन एंड प्रोपिलीन, एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल. नाउ वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड जेमिनल किसको बोलते हैं और विसिनल किसको बोलते हैं. जिसके नाम के एंड में एलिडीन आएगा. ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड एज वॉट? दैट इज कंसिडर्ड एज अ जेमिनल. और जिसके नाम जैसे इथिलीन आया तो वो क्या है? विसिनल है. इथिलीडीन आया तो क्या है? वो जेमिनल है. सो आई विल राइट इट हियर. सी दिस. When you say the geminal dihalides, geminal dihalides का मतलब क्या होता है? कि आपका जो हेलोजन है ना वो ऑन द सेम कार्बन पे कनेक्टेड है. सेम कार्बन पे कनेक्टेड है.
And when you say the vicinal dihalide. Halogens are connected on the adjacent position. On the adjacent position. अभी adjacent position का मतलब क्या हो जाएगा, वो आमने सामने connected हो जाएगा. कहाँ हो जाएगा? Front में आ जाएगा. तो जब सेम कार्बन की बात चल रही है तो अगर मैं बात करूं इथिलीडीन क्लोराइड का, तो इथिलीडीन डाइक्लोराइड में क्या हो जाएगा, यू विल बी हैविंग दिस CH 3 CH, एक CL ऊपर लगा दीजिए, एक CL नीचे लगा दीजिए. अगर मैं विसिनल डायलाइड की बात करता हूं तो ये हो जाएगा इथिलीन CH2 CH2, यहां पे हो जाएगा CL और यहां पे हो जाएगा CL. सो दिस इज कॉल्ड एज अ इथिलीन. इसको आप क्या बोलेंगे भाई, इथिलीन. ओके, तो जेमिनल में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इथिलीन डाई आपका हो जाएगा डाइक्लोराइड, सॉरी विसिनल में बोलते हैं, जेमिनल में नहीं, जेमिनल में हम लोग बोलते हैं इथिलीडीन डाइक्लोराइड. ये हो जाएगा इथिलीडीन. डाइक्लोराइड. तो आइए दिख रहा है ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या बन सकता है, वन एंड वन पे ही पोजीशन आती है, तो वन एंड वन पे अगर पोजीशन आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, यू आर गोइंग टू कॉल दिस एज वन वन एंड द वन टू, सो दे आर कंसिडर्ड एज द पोजीशन आइसोमर. अभी चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे. फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, देयर इज लाइक एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, अल्कोहल ईथर्स. ओके, सो वो आपका हो जाता है फंक्शनल आइसोमर. नाउ आफ्टर दैट विल सी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द डाइथाइल ब्रोमो इथेन. तो अभी ब्रोमो मीथेन का बात किया उसने, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे. मीथेन बोला उसने, एक कार्बन है, तो उसने क्या लगा दिया, इथाइल लगा दिया. सो यू विल बी हैविंग अ C2H5 एंड अ C2H5. अच्छा अभी क्या बोला उसने, एक ब्रोमीन है और जो भी वैलेंसी नहीं बताया वो हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पे BR लगा दीजिए समवेयर एंड देन यहाँ पे आप लगा दीजिए हाइड्रोजन. तो अभी इसका जो करेक्ट IUPAC नेम बनेगा, तो सबसे पहला काम आप सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन. तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन में जो है आपके पास 5 कार्बन जा रहे हैं, यू आर गेटिंग हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन. सो दैट इज दिस वन. दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, वी आर गेटिंग इट हियर. तो ये आपका हो जाएगा पेंटेन, और नंबरिंग करोगे तो ये इसको मैंने अगर ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी एच टू सी एच थ्री. सो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. तो इसका नाम क्या बन रहा है भाई, बता सकता है कोई, विच इज द राइट ऑप्शन हियर क्विकली. 3 ब्रोमो पेंटेन दिख रहे हैं इसमें, वो 3 ब्रोमो पेंटेन राइट, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2. Yes. Now after that, we'll see the question number next one. जरा उसको देख लेते क्या उसमें. Now. IUPAC पे नेक्स्ट पे नहीं जाऊंगा मैं, अभी सीधा जाता हूँ क्वेश्चन नंबर इधर राइट साइड में. हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे जरा आइए. क्वेश्चन नंबर 8, ये कल क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था ये उसी का एप्लीकेशन है, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH CHCH3 with an HBr produces. अभी ये क्वेश्चन देखो AIPMT में पूछा है 2015 में, मतलब इट इज इक्वल टू द नीट एग्जाम AIPMT.
अब बच्चा क्या बोलेगा, सर मार्कोनिकोफ रूल तो यहाँ लगे या नहीं, क्यों नहीं लग रहा है, एचबीआर को ब्रेक करो तो वो अनसिमेट्रिकल है, एचबीआर आपका अनसिमेट्रिकल है और दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल, राइट पार्ट अलग है लेफ्ट पार्ट अलग है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, तो नंबरिंग कर देता हूँ कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर टू। अभी जो आपका बी आर माइनस है वो कार्बन नंबर वन के पास जा सकता है या तो कार्बन नंबर टू के पास जा सकता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप मेरे को बताइए जो बी आर माइनस है वो कार्बन नंबर वन के पास जाना प्रीफर करेगा कि कार्बन नंबर टू के पास, कार्बन नंबर कैन फिर से बोल सकते हैं वन के पास। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा अब वन के पास जाना क्यों प्रीफर करेगा ये जरा बताइए आप। सर एरोमेटिसिटी है ना ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिसिटी है, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो व्हाट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ रिएक्शन आपको हमेशा एक ही चीज दिमाग पे रखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पंचलाइन है, जब तक हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको ये दिमाग में फिट करके रखना है कि जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है हम लोगों को उसी को मेजर प्रोडक्ट बनाना है, उससे के अलावा और कोई दूसरा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे अगर आप इमेजिन करिए, एक बार पॉजिटिव चार्ज आप कार्बन नंबर वन को लगाइए और एक बार पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर टू को लगाइए। इफ आई राइट डाउन लाइक दिस, जस्ट सी आई एम मेकिंग द इंटरमीडिएट, जस्ट ये इमेजिन करिए CH with a positive charge, this is CH के साथ में मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ये पहला इंटरमीडिएट है। अब दूसरा इंटरमीडिएट में मैं क्या करेगा, आई विल बी मेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन नंबर टू, ठीक है। सो ये हो गया आपका CH2 बॉन्ड सी एच विद पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड सी एच। अब मेरे को आपको ये बताना है कि कार्बन नंबर जो वन है, स्ट्रक्चर नंबर वन में पॉजिटिव चार्ज आपको कार्बन नंबर वन को दिख रहा है और स्ट्रक्चर नंबर टू में पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर टू को दिख रहा है। तो एज यू आर टेलिंग द कार्बन नंबर वन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर वन इज मोर स्टेबल, उसके पीछे जो आपने रीजन दिया वो बोला ये एरोमेटिसिटी दिखा रहा है, तो इसमें क्या एरोमेटिसिटी नहीं है कार्बन नंबर टू में, स्ट्रक्चर नंबर टू में उसमें एरोमेटिसिटी आपको नहीं दिख रही है क्या? तो व्हाट कैन बी द एक्चुअल रीजन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो समझा है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। मैंने ऊपर पंचलाइन लिख के दे दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ बहुत बढ़िया, अब स्टेबिलिटी आपको चेक करनी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है और क्यों, किसी को भी आ रहा है तो बताइए प्लीज। सर पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। हाँ वो बात तो मुझे पता है, that I know. What is the actual? Sir, benzyl carbocation. हाँ बहुत बढ़िया, that is the actual reason. Benzyl carbocation is more stable than the other structure. The structure number two, where we are getting a secondary carbocation. यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? We are getting the secondary carbocation. Okay, just मुझे charging पे लगाने दीजिए। हाँ तो अब यहाँ पे जो है आपका सेकंड वाला स्ट्रक्चर, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट दिस दर, व्हाई? बिकॉज ये जो कार्बोकेटायन मिल रहा है ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक वाला जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वो होता है आपका बेंजाइलिक, टर्शरी के बाद बेंजाइल का नंबर लेता है, फिर अलाइल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये हम लोगों ने कल ऑर्डर में देख लिया था। अच्छा इसके बाद यहाँ वाला जो है नीचे वाला ये आपका 2 डिग्री दे रहा है ओनली, 2 डिग्री मतलब क्या है, ये ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल होगा, ऊपर वाला रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा, ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मिल रहा है ना ये स्टेबल होगा रेजोनेंस के थ्रू, तो उसकी वजह से हम लोग इसको ज्यादा स्टेबल समझेंगे और बी आर माइनस हम लोग उसी को लगा देंगे। तो राइट स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पे ऑप्शन में, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया,
Okay. So that is the right option. Now we'll go on the structure number 9. Structure 9 को जरा देखिए. Just let me scroll up this. First इसको जरा clean कर लूँ. स्ट्रक्चर नंबर 9 में देखिए, आप मेरे को बताइए मीडियम क्या यहाँ पे यूज किया गया है, व्हाट इज द मीडियम व्हिच वी आर यूजिंग हियर? एसिड. वेरी गुड. एज यू नो दैट मीडियम इज एन एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम जैसे ही आपको दिखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए इट इज गोइंग टू डू द प्रोटोनेशन. इसका काम है प्रोटोनेशन करना, इसका काम है प्रोटोनेशन करना. वो सामने वाले को क्या देगा भाई? प्रोटोन फॉर्म करके देगा. अच्छा, अभी वो जब सामने वाले को प्रोटोन एड करेगा तो अभी हमको ये देखना है कि वो कैसे करने वाला. देखो ये जो सिस्टम हमको दिया गया है यहाँ पे, दिस सिस्टम, इसका ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये अटैक करेगा किसके ऊपर? H प्लस के ऊपर. तो अब ये क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, अब मैं इसको जरा नंबरिंग कर देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी क्या होता है कि जो सबसे पहले जो एच आई है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. एच आई ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू गिव यू एच प्लस एंड द आई माइनस. वो ब्रेक होके आपको फॉर्म करके देगा एच प्लस एंड द आई माइनस. ये एच प्लस एंड आई माइनस. तो अभी कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बना सकता है एच प्लस के साथ में, और कार्बन नंबर 2 बना सकता है. अगर कार्बन नंबर 1 ने बॉन्ड बनाया तो हमको जो है कार्बन नंबर 2 के पास लगेगा पॉजिटिव चार्ज. क्या लगेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज. क्या लगेगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज. बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर कार्बन नंबर 2 ने बॉन्ड बना दिया एच आई के आई के साथ, एच प्लस के साथ में, तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा जो नीचे बना रहा हूं मैं. सो यू विल बी गेटिंग दिस. अब मेरे को बताइए, पहला वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल लग रहा है कि दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल लग रहा है? और व्हाट इज द रीजन, कौन से बेसिस पे आपने ज्यादा स्टेबल बोला उसको, दूसरे वाले को? 3 डिग्री कार्बोकैटायन. हाँ, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 6. ओके, 3 डिग्री के पास ये 3 हो गया, इसका 3 हो गया, फिर ये कार्बन के पास 2 है, और ये जो नीचे वाला कार्बन उसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है ना, तो मिला के कितना हो गया इसके पास? इसके पास हो गया मिला के 7 अल्फा हाइड्रोजन. क्या हो गया भाई? 7 अल्फा हाइड्रोजन. तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, और ऊपर वाले के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? जस्ट ये एक है और यहाँ पे 2 है, तो 3 अल्फा हुआ. आर यू एवरीवन इज गेटिंग दिस? यस, किसी को कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताना. तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा जिसके पास है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी. बात समझ में आ रही है सबको? आई होप ये सभी को समझा होगा. यस. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो है 10, वो आई होप कर लोगे सेम कंसेप्ट के ऊपर. अच्छा चलो, इसको मैं जरा चेक कर लेता हूँ. मार्कोनी का रूल टू द गिव द प्रोडक्ट, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये वाला प्रोडक्ट देगा. 1-chloro-2-methylcyclohexane, 1-chloro-2-methylcyclohexane कौन सा प्रोडक्ट इसमें से दे सकता है? तो ये मैं जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए विच इज द गोइंग टू गिव यू दिस 1-chloro-1-methylcyclohexane. चलिए बताइए, फटाफट बताइए एवरीवन. बोथ ए एंड बी. अच्छा,
ए एंड बी, ओके हाँ बहुत सही बढ़िया है, दोनों देंगे क्योंकि जब आप इसके ऊपर ऐड करोगे तो पॉसिबली बोला, तो पॉसिबली दोनों देंगे, पहला भी देगा और दूसरा भी देगा, क्यों आप मार्कोनी का रूल फॉलो कर दो, एच सी एल लगा दो तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इसके पास जाएगा सी एल और हाइड्रोजन ऊपर वाले के पास जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सी एल माइनस जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा जिसको मिथाइल लगा है, और ऊपर वाले के पास, उसके सामने वाले के पास, यहाँ वाले के पास एच जाएगा, यहाँ पे एच जाएगा और ऊपर सी एस थी, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा 1 and 2। ठीक है, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रोपीन अंडरगो क्लोरीनेशन, ओके चलो इसमें रिएक्शन पार्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में वी हैव अ साइक्लोहेक्सीन। अब साइक्लोहेक्सीन में आपने दो रिएजेंट ऐड किया है, एक बार ब्रोमीन ऐड किया और एक बार आपने एच बी आर ऐड किया है, ठीक है। हाँ तो देखिए ब्रोमिनेशन जो होता है वो होता है सीन एडिशन, क्या होता है भाई सीन एडिशन, दिमाग में फिट करके रख लो, ब्रोमिनेशन इज अ सीन एडिशन, एंड दिस हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है, हाइड्रोक्सिलेशन सी ये जो है एक्स आपका दिया है, दिस इज एच बी आर एंड दिस इज बी आर टू एंड यू आर डूइंग द हीटिंग ऑल्सो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो हीट भी कर रहे हो। अच्छा अभी इसमें थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझने का कोशिश करना। हाँ ब्रोमिनेशन सीन नहीं करता है और ये वाला सीन करता है, हाइड्रोक्सिलेशन जब होता है ना, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या इसको जरा नोटबुक में लिख लेना, जब आप बेयर्स रिएजेंट को ऐड करते हो एल्किन के अंदर, बेयर्स रिएजेंट, क्या बेयर्स रिएजेंट याद आ रहा है, KMnO4 अल्कलाइन KMnO4, तो अल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो एज अ बेयर्स रिएजेंट का काम करता है। अगर आपने इथिन के अंदर उसको ऐड कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर आपने ऐड कर दिया बेयर्स रिएजेंट को, तो वो क्या करेगा, दो OH ऐड कर देगा, तो वन OH विल बी ऑन द CH2 एंड अदर OH विल बी ऑन द अनदर CH2, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये हो जाता है आपका सीन, क्या हो जाता है भाई सीन। अब ये सीन का मतलब क्या है, दोनों के दोनों OH एक तरफ से ही आए हैं, या तो नीचे से आएंगे या तो ऊपर से आएंगे, ये हो गया सीन, ठीक है। अच्छा ये जो ब्रोमिनेशन होता है ये होता है एंटी एडिशन, क्या होता है एंटी एंटी एडिशन, मतलब एक BR नीचे से लगेगा और एक BR ऊपर से लगेगा, ये दिमाग में फिट करके रख लो। अभी देखो इसका मैं मैकेनिज्म जरा वहां पे डिस्कस करता हूँ, जस्ट सी हियर, जरा ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे ब्रोमिनेशन is anti-addition, is anti-addition. अभी उसमें वो लोगों ने क्या दिया था, they had given you something like this, you had cyclohexene, in the cyclohexene you are adding the bromine, and you are doing the heat, आप उसको गर्म कर रहे हो, तो सबसे पहली बात क्या होगा यहाँ पे, Br2 add हो जाएगा, Br2 जो है double bond के across add हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, एक BR नीचे आएगा और एक BR ऊपर जाएगा, तो नीचे ऊपर लिखने से अच्छा मैं ऐसा लिखूंगा, वेज एंड डॉट पे लिखूंगा, वेज एंड डॉट का मतलब होता है एक प्लेन के अंदर है एक प्लेन के बाहर है, ठीक है बात समझ में आ रही है। अच्छा अभी हर एक हाइड्रोजन के पास एक प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के बाहर है, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे भी H ये, तो एक्चुअली आपने को इसके ऊपर फोकस करना है, ये लाइक दिस। अब मैंने इसको स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया है। अभी होता क्या है यहाँ पे, आप जब इसको गर्म करोगे ना, इफ यू डू द हीटिंग, हीटिंग करने से क्या होता है, देर इज अ एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं, वो नाम अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, याद आएगा तो बता दूंगा मैं। सी व्हेनेवर देयर इज अ एलिमिनेशन, जब कभी भी आपको एलिमिनेशन करना है ना,
तो वो हमेशा 180 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ से कार्बन और ये कार्बन है, यहाँ से आप H निकाल रहे हो और यहाँ से आप BR निकाल रहे हो, तो H और BR जो है ना वो 180 मतलब अपोजिट डिग्री में होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो वो नहीं निकल पाएगा। बोलने का मतलब जैसे आप लोकल ट्रेन में चढ़ते हो तो यहाँ से पब्लिक चढ़ेगी तो राइट साइड से निकल जाएगी, अगर ये यहीं से चढ़ने वाला और ये यहीं से निकलने वाला तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा, ये ग्रुप जो है ये अंदर आने वाला है और यहाँ से BR- निकल जाएगा। तो इस प्रकार के एडिशन को हम लोग बोलते हैं एंटी, मतलब एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं एंटी, मतलब वो 180 डिग्री पे होना चाहिए। तो जब आप गर्म करोगे तो हीट करने से एलिमिनेशन प्रमोट होता है, हीटिंग जो है ना वो एलिमिनेशन को बढ़ावा देता है। कोई भी कंपाउंड को अगर आप गर्म करोगे ना तो वो एलिमिनेशन में जाने का उसका चांसेस बढ़ जाता है। तो देखो ये BR यहाँ से निकल सकता है और उसके बगल का एक हाइड्रोजन उसके साथ में आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो अगर आगे से निकल रहा है, वेज से निकल रहा है, तो डॉटेड वाला हाइड्रोजन उसके बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन अंदर दे देगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल सकता है वो ये मिलेगा। यू गॉट अ डबल बॉन्ड हियर एंड यू गॉट हियर BR। अब हमको चेक करना है ऐसा कुछ दिया है क्या कहीं पे, जस्ट लेट मी सी दैट ऑप्शंस। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। हाँ, सबसे पहली बात देखो, उसने दो जगह पे ऑप्शन दिया था इसका ब्रोमिनेशन करके, तो ये ऑप्शन के साथ में मैं जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी उसने नीचे ट्रायंगल भी बना दिया है। ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, अब वो हीट करने से कुछ ना कुछ तो होगा ना। एज आई टोल्ड यू, हीटिंग जो है वो रिएक्शन को प्रमोट करती है, वो रिएक्शन को एलिमिनेशन में ले जाने को बढ़ावा देती है। तो एलिमिनेटेड वाला प्रोडक्ट आपको ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, यू आर गेटिंग इन द ऑप्शन नंबर डी ओनली। ये तो आपका हो गया वाई वाला प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अभी एक्स वाले में कन्फ्यूजन होगा, तो एक्स वाला जो है आपका मार्कोनिकोफ रूल से कर देंगे, कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं, मार्कोनिकोफ या एंटी कुछ भी लगाओ, क्या ये मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है। इफ यू कट इट लाइक दिस यू विल फाइंड बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो BR- आप या तो इस कार्बन को लगाओ या तो इस कार्बन को लगाओ, इसका नाम बनेगा ब्रोमोहेक्सेन ही बनेगा, साइक्लोब्रोमोहेक्सेन। तो साइक्लोब्रोमोहेक्सेन आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है और ऑप्शन डी में दिया है। बात समझ में आ रही है? सो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है और ऑप्शन डी में दिया है, बट हाउ आई विल कम टू नो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मैंने वाई से कंपेयर करके मेरे को पता चल गया, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझा यहाँ पे? और मैं इसको रिपीट करूँ, Everyone got it clear? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ फटाक से। मैक्सिमम रिवर्टेड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का मतलब HCl, HBr, H है। तो चलो बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, और रीजन भी मेरे को चाहिए क्विकली। एक ही चीज दिमाग में पकड़ के रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दैट्स ऑल, दैट इज अ होल एंड सोल थिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी क्या करूं मालूम है, हर जगह पे प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल लो, प्रोटोनेशन करके वाटर निकालो, फिर वहां पे जो कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है आपको देख सोचना है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। बस कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13 सी। हां सी, बहुत बढ़िया, जस्टिफाई करिए उसको, आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? सी ही सही जवाब है यहाँ पे। हैलोजन एसिड है तो एसिडिक मीडियम है, तो कार्बोकैटायन बनाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये हाँ, तो तभी क्या होगा, अलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। फैंटास्टिक, वही चीज है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। You are getting here allylic carbocation. Now allylic carbocation is more stable than this. Will give you 2° carbocation. So why allylic is more stable? Because there is a resonance. There is a resonance. यहाँ पे resonance आ जाता है, जो आपका secondary वाला है ना, उसके अंदर resonance नहीं आता. There is only hyper conjugation. There is only hyper conjugation. Are you getting? And you know that resonance जो होता है वो hyper conjugation के compare में ज़्यादा dominating effect है. और रेजोनेंस से भी ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एवरीवन इज गेटिंग दिस, यस और नो? ओके,
नाउ इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए. एआईपीएमटी का पूछा है. Which of the following reaction can be used for the preparation of alkyl halides? Alkyl halides आपको बनाना है. इसमें से कौन कौन सा reaction आप use कर सकते हो alkyl halide बनाने के लिए? कौन सा use कर सकते हैं? बोलिए. Anyone quickly respond. बेस्ट बोला ना उसने. विच ऑफ द रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. अच्छा अभी आप अगर पहला वाला यूज करते हो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, देखो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इसमें कैसा होगा कि इसको थोड़ा हीट भी करना पड़ता है. अगर आपने याद किया होगा लुकास रिएजेंट में जिसको हीटिंग का जरूरत पड़ता है प्राइमरी और सेकेंडरी में. टर्शियरी जो होता है ना वो बहुत आसानी से दे देता है. टर्शियरी जो है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से आपका प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देता है. बात समझ में आ रही है? Everyone is getting this, yes or no? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो अल्कोहल दिख रहा है वो बेसिकली टर्शियरी अल्कोहल है. तो जब आप उसके ऊपर HCl ऐड करेंगे तो वो वहां से क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा वाटर. इट विल रिमूव द वाटर. तो जैसे ही वो वाटर वहां से रिमूव होगा वो आपको फॉर्म करके दे देगा टर्शियरी कार्बोकैटायन. इट विल गिव यू टर्शियरी कार्बोकैटायन. Yes, are you getting? Everyone is getting this concept. यहाँ पे भी मैं वही concept लगा रहा हूँ. Stability of an intermediate, that's all. अच्छा तो C वाला सबसे sure and short है. अब आपको देखना है कि third वाला sure and short है. Third वाला किसमें दिया है? अच्छा पहला वाला निकल गया और D वाला भी निकल गया. अब बच रहा आपका B and C. बी एंड सी में अगर जाओगे बी में क्या बोला है उसने? थर्ड एंड फोर्थ ओनली. थर्ड एंड फोर्थ ओनली मतलब थर्ड तो दे रहा, फोर्थ ओनली बोला है. अच्छा वैसे देने को तो प्राइमरी भी देता है सेकेंडरी भी देता है, बट उधर हीट का हीट मिसिंग है. अच्छा हाँ ये सेकेंड वाला नहीं दे पाएगा. क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इसमें लुकास रेजिन मिसिंग है पूरा का पूरा. इसमें इसका चांस कुछ नहीं बन पाएगा. लुकास रेजिन मिसिंग ये नहीं देगा. पहला दे देगा, तीसरा दे देगा और चौथा दे देगा. बराबर है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी वाला. अगर वो बोलता बेस्ट कौन सा है, हाँ तो बेस्ट का अगर वो बात करता ना तो मैं इसके साथ में जाता था, तो थर्ड वाले के साथ में जाता ओनली. बट वैसा कुछ दिया नहीं उसने. ओके बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. पहले रिएक्शन में हीट करने की जरूरत नहीं है ना सर, डायरेक्टली लुकास रेजिन से होता है. हाँ अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे प्राइमरी अल्काइल अपना अल्कोहल बनाने, अल्कोहल से अगर अल्काइल हैलाइड बनाना तो उसको हीट भी करना पड़ता है. यहाँ पे दिया नहीं है. प्रोडक्ट बनाने को बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा. उसका अमाउंट कम रहेगा बिकॉज उसके लिए जो डिजायर्ड कंडीशन है वो मेंशन नहीं है ऐसा. लेकिन थर्ड वाले में प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड वाले में प्रॉब्लम क्या, उधर पे लुकास रेजिन दिया ही नहीं है ऐसा. तो वो हीट करेंगे ना तो वो एल्कीन बना देगा, एल्कोहल नहीं देगा, वो एल्कीन बना देगा. समझा आपको? यस सर. हाँ तो इसमें भी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन से कल हम लोग करते हैं. ठीक है तो थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग देख लेना.